जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रोसेसर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो स्मार्टफोन हो या फिर कंप्यूटर सिस्टम हो। अगर आपके फोन में प्रोसेसर बेकार है तो इसका मतलब है आपका फोन भी बेकार है। यहाँ पर जब भी स्मार्टफोन की प्रोसेसर के बारे में बात की जाती है तो हमें कहा जाता है कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 445 है, जो कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस है। और भी कई सारी चीजें कही जाती हैं, जैसे कि एप्पल के इस वाले फोन में 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर है। और अब सबका सवाल होता है कि आखिर ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है क्या, 10 नैनोमीटर, 40 नैनोमीटर, 12 नैनोमीटर, ये सब है क्या, इन सभी के बीच में क्या डिफरेंस है और किसी भी प्रोसेसर में ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सारी बातें जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा वीडियो को लास्ट तक, ताकि आप ये समझ सको कि प्रोसेसर क्या होता है, उसके अंदर नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कैसी होती है, क्यों होती है और क्या इम्पोर्टेंट उसकी होती है। बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो, सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं सादिया की टेक। देखो दोस्तों, ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती क्या है उसके समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्रोसेसर के अंदर कौन सी चीज़ें डली होती हैं जिससे वो प्रोसेसर काम करता है, उसके बाद ही आपको समझ आएगा कि ये नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होती क्या है। दोस्तों, अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें कि प्रोसेसर क्या होता है, तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोसेसर मतलब किसी चीज़ को प्रोसेस करना, काम करना। तो यहाँ पर आप अपने फ़ोन में काम करते हो, गेम खेलते हो, सेल्फी लेते हो, ऐप्स इंस्टॉल करते हो, उन्हें ओपन करते हो, उन्हें बंद करते हो, तो उस ऐप को ओपन होने में कितना टाइम लगा, उस ऐप को बंद होने में कितना टाइम लगा, मल्टीटास्किंग जो आप कर रहे हो फ़ोन में, ये जो सारा का सारा काम है वो बेसिकली प्रोसेसर की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। तो ऐसे हमें ये समझ नहीं आएगा, तो एक सिंपल से एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कार का, तो एग्जाम्पल लिया है कार का, तो कार के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इंजन, ये जो आपको पता ही है। आपकी जो कार का इंजन है वो अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का बना है, अच्छी चीज़ों से बना है और अच्छी कंपनी ने बनाया है, तो डेफिनेटली आपकी कार एकदम स्मूथ चलेगी। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आपकी कार एकदम स्मूथ चलेगी, बीच बीच में रुकेगी नहीं, मतलब जैसे कहते हैं ना स्मूथली, वैसी चलेगी। लेकिन अब दूसरी तरफ आप जो कार का इंजन है वो एकदम बकवास क्वालिटी का है, ना ही अच्छी कंपनी ने बनाया, ना ही उसके अंदर अच्छी चीज़ें डली हुई हैं और ना ही उसकी डिज़ाइनिंग अच्छी है, तो कार बीच बीच में रुक के चलेगी और स्मूथली नहीं चल पाएगी, रुक रुक के चलेगी और रुक रुक के चलने से उसका इंजन ख़राब हो जाएगा। तो देखा जाए तो गाड़ी का चलना ना चलना सारा डिपेंड करता है उसके इंजन पर। अब ये जो गाड़ी है वो मोबाइल फ़ोन है और जो गाड़ी का इंजन है वो मोबाइल का प्रोसेसर है, अच्छी क्वालिटी का बना होगा, उसमें अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया होगा, तो आपका फ़ोन हैंग नहीं होगा और आप अच्छी तरह से उसमें गेम खेल सकते हो। तो आपको समझ आ गया होगा अब कि प्रोसेसर होता क्या है। तो जब भी प्रोसेसर के बारे में बात की जाती है तो हमेशा ये देखा जाता है कि जो प्रोसेसर है वो डुअल कोर का है, क्वाड कोर का है, या फिर ऑक्टा कोर का है, या फिर डेका कोर का है। आपने सुना भी होगा कि स्नैपड्रैगन का ये वाला प्रोसेसर है ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, क्वाड कोर प्रोसेसर है, डुअल कोर प्रोसेसर है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि ये कोर क्या होते हैं। तो सिंपल तरीके से समझा जाए तो ये कोर जो है एक प्रोसेसर यूनिट होता है, प्रोसेसर का एक भाग होता है, एक पार्ट होता है जो कि बिल्कुल प्रोसेसर की ही तरह काम करता है। तो यहाँ पर अगर आपका प्रोसेसर डुअल कोर का है, इसका मतलब उसके दो भाग हो रखे हैं, अगर वो क्वाड कोर का है तो उसके चार भाग हो रखे हैं, अगर आपका प्रोसेसर ऑक्टा कोर है तो उसके अंदर 8 भाग होंगे, यानी 8 प्रोसेसर होंगे, छोटे छोटे यूनिट होंगे। अब सवाल आता है ये कोर का प्रोसेसर में क्या काम है।